हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी। आज बनाने वाले हैं बेल का शरबत। गर्मियों के मौसम में ये बेल का शरबत बहुत अच्छा होता है और ये पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक बड़ा सा बेल लिया है और इसको हमने अच्छे से धुल लिया है। तो अब हम इसको फोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने बेल को तोड़ लिया अच्छे से। अब हम इसका छिलका उतारेंगे और ये सही से टूटा नहीं, इसलिए मुझे छिलका उतारने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और ये देखिए, तो हम इसका सारा छिलका उतार के और इसका गूदा निकाल लेंगे। इसके पल्प को हम सारे निकाल लेंगे अच्छे से। और ये देखिए, मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये अच्छे से टूटा नहीं है। तो ध्यान रख के उतारें छिलका, क्योंकि चोट लगने का डर होता है। तो इसके सारे छिलकों को उतार के हम इसका पल्प निकाल लेंगे। छिलकों को हमने सारे उतार लिए अच्छे से। तो अब चम्मच की हेल्प से हम इसे एक छोटा सा भगोना लेंगे, उसमें इसके गूदे को निकाल के रखेंगे। चम्मच से निकालने में थोड़ी सी आसानी होती है, तो इसलिए हम चम्मच से ही निकालेंगे सारे गूदे को। ये देखिए, हमने सारे गूदे को अच्छे से निकाल लिया है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठंडा पानी, और उसके बाद चम्मच की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बीज को और जो इसमें रेशे थे वो हम सब निकाल लेंगे। देखिए, इसके बीज को हमने निकाल लिया है। और ये देखिए, हमने इस तरह से इसके बीज और रेशे जो थे वो सारे निकाल लिए अच्छे से। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालिए, जितना मीठा आपको चाहिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और डालेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे नींबू। दो नींबू डालेंगे काट के इसमें। नींबू को हमने निचोड़ लिया है, हम इसे मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छे से घुल जाए। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए हम यहाँ एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे, और छन्नी रखने के बाद हम इसमें छानेंगे। छानने से क्या होता है, इसकी जो इसमें जो एक दो बीज रह जाती हैं वो सारी निकल जाती हैं, तो पीने में अच्छा लगता है। तो हम इसे चम्मच से चलाते हुए छान लेंगे। ये देखिए, हमने छान लिया है। तो अब हम इसमें दोबारा डालेंगे और चम्मच से चलाते हुए हम थोड़ा सा इसको भी छान लेंगे। हमने इसको छान लिया अच्छे से, इसमें जो बीज और रेशे थे वो सब निकल गए हैं। तो अब हम इसे गिलास में डालेंगे।
शरबत को हमने गिलास में डाल लिया है और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा सौंफ का पाउडर डालेंगे, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा। अगर आपके पास काजू बादाम है तो आप वो भी दरदरा पीस के इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये शरबत हमारा बनके तैयार है, तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा ये बेल का शरबत कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।